हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? और सब ठीक है। मैं आपको आज चीड़ की लकड़ी पे वार्नेट कलर की पॉलिश करके दिखाऊंगा। करना क्या है, पहले तो जो मैंने अभी स्क्रीन पे बाद पहले दिखा था, 220 का एक बार लगाना है इसे अच्छी तरीके से लगा ले, कहीं भी कोई भी निशान ना रहे। अच्छे तरीके से जो रोंदे के जो निशान होते हैं उसे बहुत अच्छे तरीके से रेगमाल काटे और बहुत ही अच्छे तरीके से ये ध्यान रहे कि बिल्कुल कहीं भी निशान ना आए। दोनों साइड से लगाना है। मैंने दोनों साइड से अच्छी तरीके से लगाया इस पर एक बार और अभी इस पर मैं इस पर वार्नेट कलर दूंगा स्ट्रीट पॉलिश में। पहला कलर इसमें स्ट्रीट में मिला रखा है। अच्छी तरीके से लगाना कपड़े पे लगाने के कपड़े वार्नेट कलर का डाल देंगे। वार्नेट कलर थोड़ा सा आधा 50 ml वाटर कलर 50 ml स्पीड पॉलिश मिक्स करते हैं और अच्छी तरह मिला ले। मिलाने के बाद फिर स्टोर करें। अगर इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कपड़ा बराबर रुकना चाहिए, बराबर हाथ चलना चाहिए, यदि कलर गिरेगा नहीं तो कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं जाएगा। साथ चलना चाहिए, एक हाथ जो है बीच में ना रुके, बिल्कुल जितना तेज करना चाहेंगे इतने ही कोट मारने पड़ेंगे, पर मैं तो दो ही कोट मारूंगा। पायलट है देखो ये आधे घंटे सर होगा दूसरा कोट वार्नेट कलर का। आप चाहेंगे तो जितना तेज करना चाहेंगे इतना ही तेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं इसमें दो ही कोट लगाने हैं। इसका ये ध्यान रखना है कहीं भी दोबारा गद्दी ना लगे, अनियोनिच्या कलर उतर जाएगा, ठीक है? इसका बहुत ध्यान रखना है। और दोस्तों मैंने दो कोट लगा दिए थे, इस पर 320 का एक मार लगाना है हल्के हाथ से, बहुत हल्के हाथ से लगाना है। और मेरी वीडियो जो पसंद आए तो लाइक और शेयर कमेंट सब्सक्राइब पर जरूर कर लें चैनल को। मैं इसी तरह की पुलिस की वीडियो बनाता हूँ। चलो दोस्तों शुरू करते हैं, हल्का हल्का एक मार मारें 320 का, हल्के हल्के हाथ से मारना है, तेज नहीं मारना, नहीं तो वो नीचे कलर जो हमने वार्नेट कलर दे रखा है उतर जाएगा, कहीं कहीं सफ़ेद और सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाएगा। तो इसलिए ये जो लकड़ी मैं बताना चाहूँगा, ये लकड़ी जो है ये चीड़ की लकड़ी है, चीड़ की रेशेदार वाली। इस पर इस तरीके से फिर कपड़े से साफ कर लो, उसे पहले ब्रश से झाड़ लो फिर कपड़े से अच्छे तरीके से, और उसके बाद आप सीलर का हाथ लगाओ उस पर। तरीके से साफ करके इसमें सीलर लगा लगाना, आस पास से भी साफ कर लो, धूल मिट्टी ना बैठे। फिर दोबारा गद्दी पे, जब गद्दी फेरते हैं ना तो धूल मिट्टी लगनी चाहिए। देखो आप ये जो वीडियो बना रहा हूँ बिल्कुल इसमें कोई बोलना नहीं है, इसमें बिल्कुल जो कर रहा हूँ वही दिखा रहा हूँ जैसे जैसे होगी। ये सीलर है, इसमें एनसी थिनर डाल रखा है, ये जीवन जोड़ का सीलर है, एनसी थिनर वेब ब्लेड डाल के पतला सा कर ले जरा टाइट नहीं। पहला कोट मार दिया हल्के हाथ से,
गद्दी का ध्यान रखें कि गद्दी दोबार ना लगे जहाँ एक बार लगी हो, जहाँ नहीं लगी वहाँ हल्का सा लगा दो, ध्यान से करना बिल्कुल, क्योंकि नीचे हमने वार्निश कलर डाल रखा है, अगर उस पर हम दोबारा लगा देंगे तो वो उतर जाएगा। और इसे बहुत ही जो उसका कलर बाद में आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा इस तरीके से, क्योंकि इसकी जो चीड़ की लकड़ी होती है वो सफ़ेद होती है बिल्कुल, आपने देखा होगा चीड़ की लकड़ी। चीड़ की लकड़ी पे हम वार्निश कलर कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं आपको। और आप ज़रूर हाथ जोड़ के निवेदन है, आज लाइक शेयर जरूर करें। और आप देखना चाहते हैं अभी पहला कोट लग रहा है इसमें, पहला कोट लगने के बाद फिर दूसरा कोट लगेगा 15 मिनट बाद। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे एक कोट मारने के बाद कम से कम 15 मिनट या 10 मिनट जरूर सुखाना है, नहीं तो नीचे का उतर जाएगा। अब मैंने 15-20 मिनट तक इसे रख दिया था, अब हल्के हाथ से फिर 320 का रिंग वन लगाना है हल्के हाथ से, क्योंकि जो हल्का हल्का दाना आता है वो कट जाता है शिलर में हल्का फुल्का फिनिशिंग के लिए। दूसरा कोट लगाना है रिंग मार के बाद हल्के हल्के हाथ से। और अब इस पे मैंने सारी इसकी भराई कर ली है, अब इसमें मैं वार्निश कलर गिरूँगा, इसमें वार्निश कलर लेकर में मिला कर डालना है। इसमें मात्रा जो रखनी है इसकी 100 ग्राम वार्निश में आधा लीटर लेकर और आधा लीटर थिनर रखना है इनसी, उसे अगर हम तेज रखेंगे तो काले काले धब्बे आएंगे, इसलिए पतला करके मारना पड़ेगा हल्के हल्के उसको गन चला के। आप बहुत ही हल्के हल्के हाथ से लगाओ उसे इस तरीके से, हल्के हल्के हाथ से, हल्के हाथ से लगाना है। ये मैं बताना चाहूँगा कि कहाँ डालने हम ये वार्निश कलर डालने हैं, लेकर में मिक्स करके थिनर के साथ, और इसके कम से कम 3 कोट मारने हैं हल्के हल्के हाथ से, क्योंकि अगर एकदम हम लगाएंगे तो ये बह जाएगा, ये ध्यान रखना है हल्के हल्के हाथ से डालना है। देखना चाह रहे हैं आप, और इसे फिर जो इस पर फाइनल कोट डालेंगे मेलामाइन का, वो कम से कम 2 या 3 घंटे बाद डालना चाहिए जो अच्छी तरीके से सूख जाए। देख रहे हैं कितने हल्के हल्के से मैंने 3 या 4 कोट डालने हैं इसमें, अगर मैं एक साथ डालूँगा तो सफ़ेद पड़ जाएगा क्योंकि लेकर डाला हुआ इसमें, इसलिए ध्यान रखें। ये तो एक डैम है, आप दरवाजे पे भी कर सकते हो, खिड़की पे भी कर सकते हो, चौकटों पे भी कर सकते हो, जैसा मर्जी कर सकते हो। ये एक नेम प्लेट है, इसमें नेम डलेगा, ये बॉक्स जो रखा है आपके पास सामने, और इसे बहुत ही हल्के से इस पर लग देख, आप देख रहे होंगे कि हल्का हल्का तेज हो गया है भैया, वार्निश कलर पे आ गई है थोड़ी थोड़ी जो बॉक्स है हमारा। अब हमें इसे सुखाना पड़ेगा, देख सकते हो आप वार्निश कलर बराबर गिर गया, कहीं भी कोई भी सफ़ेद सफ़ेद नहीं दिख रहा, बिल्कुल एक कलर आ रहा है चारों तरफ से, बिल्कुल एक कलर देख सकते हो आप। ये लेकर में मिला के लेकर में मिला के वार्निश कलर डल रहा है, और इसे सुखाने के बाद फिर मैं इसमें मेलामाइन डालूँगा। ये 2 या 3 घंटे सूखने के लिए चाहिए, से 3 घंटे चाहिए लगभग। अब ये फाइनल हो जाएगा बस, अब इस पर हल्का हल्का कहीं कहीं देखता है ना, बाद में करने के बाद कहीं कहीं रह जाता है, कहीं ज़्यादा कभी कम, वहाँ एक साल करना पड़ता है हल्का डाल के। और दोस्तों इस तरीके ऊपर होगे तो आप कोई भी लकड़ी चाहिए सफ़ेद हो पीली हो, कोई भी आप वार्निश कलर कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल शीशम जैसी लगेगी, चाहे कितनी सफ़ेद हो लकड़ी इस तरीके से अगर आप करेंगे तो।
और बहुत सी बार एक बार फट जाता है, अगर हम मेलामाइन में हम कलर डालेंगे तो फट जाएगा, तो इसीलिए लैकर का इस्तेमाल करें। लैकर आधा लीटर, वो तो मैं बता रहा हूँ अंदाजे से आप मिला लेना, आधा लीटर लैकर और 100 ग्राम वार्नेट और आधा लीटर थिनर मिक्स करके जब आप डाल सकते हैं। अब ये हमारी पूरी कंप्लीट होगी वार्नेट कलर की। कैसे लग रही है बॉक्स के ऊपर कलर देख लो आप कितना अच्छा रहा। और आप इस चीज़ का और ध्यान रखें कि धूप में डालना चाहिए ये वार्नेट कलर, छाव में ना डालें, छाव में डालने से वो फिनिशिंग नहीं आने की, सफ़ेद पड़ जाएगा। और देखो ये 3-4 घंटे के बाद, अब मैं इस पर 3-4 घंटे के बाद अब मैं इस पर मेलामाइन डालूँगा। ये कंप्लीट हो, सूखने के लिए रख रखा है, 2 घंटे तो हो गए इसे सूखते हुए। और अब जब हम इसे मेलामाइन डालेंगे इसकी क्लैरिटी बहुत बढ़िया आ रही। और ये देखो मैंने उस पर ये नेम लगा दिया, जो चीज़ थी नेम प्लेट दिया, इस पर नेम प्लेट डल गई है। देखो आप कितनी अच्छी लग रही है। और मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद मित्रों, जो मेरे फ्रेंड हैं। देखो मेरे पे इतना पढ़ना लिखना तो आता नहीं, पर मैं आपको फिर भी दिखा रहा हूँ।